अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खूबसूरत डिज़ाइनर सूट्स। ये जो डिज़ाइनर सूट्स हैं फॉर्मल वेयर्स हैं समर के, तो आपने किस तरह से अपने फॉर्मल वेयर्स को डिज़ाइन करना है ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप इन डिज़ाइन को किसी भी दूसरे ड्रेस पर बनाकर उस ड्रेस को बिल्कुल फॉर्मल बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला ड्रेस मेरे पास मारिया भी का आउटफिट है। नेकलाइन इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है जिसको हमने लेसिस के साथ फिक्स किया है। साथ में एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी नेकलाइन में जो है वो लगाई है ओवरलैप शेप में, और साथ में उसमें छोटी छोटी सी लेस फिक्स हुई है। साइड पैनल ड्रेस के ऑलरेडी सेपरेट थे। अगर आप प्लेन सूट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने पैनल्स इसके बना लेने हैं, देन उसके बाद क्रॉस में इस तरह से लेसेस फिक्स करनी है जैसे इसमें हमने लेसेस फिक्स की हैं। ये देखिए, यहाँ दोनों साइड्स में लेसेस फिक्स करनी है। पैनल में भी ज्वाइंट लेस आएगी और इसके जो साइड्स आ रही हैं पैनल की उनमें भी ज्वाइंट लेस आएगी। ये देखिए, सेंटर में भी पैनल को ज्वाइंट लेस के साथ फिक्स किया है और साइड्स में भी जो है वो कट करके लेसेस फिक्स हुई हैं। फ्रंट दामन का ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ड्रेस के साथ था और गेंजा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और उसमें तकरीबन 1.5 इंच के गैप के ऊपर जो है वो थ्रेड निकाले हुए हैं और गेंजा के, ठीक है। साइड स्लिट्स में इस तरह से छोटी लेस लगाई है। जो लेस इसकी नेक लाइन में लगी है वही लेस इसके स्लिट्स में लगी है, बट यहाँ पर स्लिट्स में लेस के साथ ऊपर रख के पर्ल्स लगवाए हैं। ये पर्ल्स जो यूज़ किए गए हैं ये डाई करवा कर यूज़ किए गए हैं। बहुत से कलर्स जो होते हैं वो पर्ल्स में डाई हो जाते हैं, अगर अच्छी बेस का पर्ल है तो डाई हो जाता है, ठीक है। ये देखें स्लिट्स में आपको क्लियर नजर आया होगा। बैक साइड दिखाऊंगी। बैक की जो नेक है वो ओवरलैप है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ऊपर से लेस इसमें शो हो रही है। बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है। बैक दामन और स्लिट्स में वही छोटी लेस लगाई गई है जो इसकी नेक लाइन पर लगी हुई है। फ्रंट के जो स्लिट्स हैं उनमें ऊपर रख के पर्ल्स लगा दिए हैं, बट बैक का दामन और बैक की जो साइड है वो सिंपल है। ये देखिए इस तरह से इनसाइड फैशन पट्टी बेस कलर में लगाई है, जैसे इसकी शर्ट का बेस कलर है ना, बिल्कुल उसी तरह से। स्लीव्स इसके प्लेन है, स्लीव्स के साथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था और साथ में एक पंच था जो इसके ऊपर ग्रीन कलर में लगा हुआ है, और सामने इसमें जो लेस है वो डाई करवा के लगाई है, और जो पर्ल्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी डाई करवा कर लगाई है। देखिए, ये जो बंच आ रहा है ना ऊपर ग्रीन, ये वाला ये ड्रेस के साथ आया था। आप चाहें तो इसके नीचे से फैब्रिक निकाल सकते हैं, बट इसमें जो है वो हमने इसके ऊपर रख के पेस्ट किया है। ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर जिसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए ड्रेस के साथ आया था, और सामने जो लेस है वो डाई करवाई गई है। अब आपको दिखा रही हूँ इसका ट्राउजर। ट्राउजर के पांचे के नीचे लेस लगी हुई है, ये डाई होकर लगी है, और जो इसकी सेंटर ज्वाइंट लेस है उसके साथ दो प्लेट्स आ रही हैं। ये तकरीबन 1/2 इंच का एक प्लेट है, इस तरह से दो प्लेट्स नीचे हैं, दो प्लेट्स ऊपर हैं। सेंटर में जो है वो क्रॉस डिजाइन में लेस आ रही है। ट्राउजर की जो बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है। आप चाहें तो ट्राउजर को हुक बेल्ट के साथ भी बना सकते हैं। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका दुपट्टा। इसके साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। ऑर्गेन्जा दुपट्टे में साइड्स इसके प्रिंटेड है। बेसिकली ये दुपट्टा इसी तरह से बना हुआ आया था। सेंटर में इसके प्लेन फेब्रिक था और साइड्स इसकी प्रिंटेड थी, तो हमने क्या किया इसको यहाँ कट कर लिया है। कट करके यहाँ पर ज्वाइंट लेस फिक्स की है, और इसके जो पल्लू हैं इसका एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर साथ में सेपरेट आया था, इसको इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ऊपर रख के एप्लिक करवा दिया है और साथ में पर्ल्स फिक्स कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। ये जो ग्रे कलर के पर्ल्स हैं ये भी डाई करवा के लगाए गए हैं दुपट्टे के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। और इसमें दुपट्टे में ऑल राउंड जो है वो लेस फिक्स हुई है बेस कलर में, और ये कलर भी डाई करवाया गया है लेस का। मोस्टली ऐसा होता है जो पाउडर कलर्स होते हैं ये ज्यादातर मैच नहीं होते हैं, तो इनको डाई करवाया जाता है। ये देखिए, ये पर्ल्स आपको जो है वो इनकी लुक नजर आ रही होगी, बहुत अच्छे से डाई हो जाते हैं। ऑल ओवर लुक दिखा रही हूँ। ये जी इसकी ब्यूटीफुल नेक लाइन है, ये पट्टी है नेक की और साथ में लेस फिक्स हुई भी है। ये दुपट्टे की लेस है जो ऑल राउंड दुपट्टे में फिक्स हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जी इसकी स्लीव्स। साइड्स में इसके लेसेस आपको क्लियर नजर आ रही होंगी किस तरह से फिक्स हुई हैं। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, देन ऊपर बंच है जो एप्लिक हुआ है, और साथ में ये देखें जो सामने रिंग इफेक्ट में लेस आ रही है, ये लेस सेपरेट लेके डाई करवाई गई है। ये देखिए इस तरह से। ये देखें, ये इसकी साइड्स हैं। इसकी साइड्स में ये देखें एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी बनी हुई थी, बाकी जो इसके पैनल्स हैं उसकी साइड्स को कट करके सेंटर में लेस फिक्स हुई है। ये इसके स्लिट्स में पर्ल्स लगे हुए हैं, क्लियर नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखें, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये देखिए इस तरह से सेंटर पैनल इसका एम्ब्रॉयडर्ड था, और ये इसके दुपट्टे का बॉर्डर है। लेसेस दुपट्टे की आपको क्लियर नजर आ रही होंगी। यहाँ आपने किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इजीली ले सकती हैं। ये देखें, ये दुपट्टे की लेस है, और ये इसके ट्राउजर का डिजाइन है, और ये ट्राउजर की लेसेस हैं। अब मैं आपको इसका दामन दिखाऊंगी किस तरह से इसके दामन के अंदर जो है वो यहाँ पर इसमें जो है वो ऑर्गेन्जा नजर आ रहा है आपको क्लियरली। नेक्स्ट आपके साथ जो ड्रेस शेयर करूंगी ये भी हमारे भी का बहुत नाइस आर्टिकल है। ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है, नेकलाइन कुछ इस तरह से इसकी बनाई है। वैसे बेसिकली इसकी राउंड नेकलाइन थी, लेकिन हमारी कस्टमर की डिमांड थी कि इस तरह से स्वीट हार्ट शेप में जो है वो नेकलाइन हो, तो इस तरह से जो है वो हमने नेकलाइन बना दी। और क्योंकि नेकलाइन डीप हो गई तो हमने उसके ऊपर सेपरेट अलहदा से बटन ऊपर रख के लगा दिए, ताकि जो उसकी स्लिट है वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाए, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी कट गई है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आए। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे को मैं आपको सेपरेट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से दुपट्टे की जो है वो फॉल क्रिएट की गई है, कैसे इसका दुपट्टा बनाया है। दुपट्टा इसका बहुत नाइस है, ऑर्गेन्जा के प्लेट्स बनाए हैं सारे,
और साथ में ऑलराउंड इसमें लेस फिक्स हुई है। ये इसका ब्यूटीफुल ट्राउजर है, ट्राउजर के पांचे के नीचे इस तरह से कटवर्क का इफेक्ट बनाया है, वी कटवर्क और सेंटर में पिनटेक्स फिक्स किए हैं। अब आपको ड्रेस के दामन की लुक दिखाऊंगी। ये ड्रेस का दामन है, इसका एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ड्रेस के साथ आया था और इसके ऊपर जो है ये सारे पर्ल्स हैंग किए हैं। ऑफ वाइट कलर में ये पर्ल्स हैं, जो क्रीम सा कलर आ रहा है इसी कलर में इसके जो है ये पर्ल्स इसके साथ हैंग किए हैं सारे के सारे। अब आपको दिखाऊंगी डिटेल से दुपट्टा। नेट दुपट्टा है, स्टफ बहुत सॉफ्ट है नेट का, ऊपर इस पे सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, सर्कल सर्कल बने हुए, ठीक है। दुपट्टे की दोनों लेंथों में लेस आ रही है और लेस को डाई करवा के लगाया गया है और लेस के साथ सारे कटवर्क्स में जो है वो पल्स फिक्स हुए हैं, ये पल्स डाई करवा के लगाए गए हैं। और जो इसके पल्लू है ना ये देखें, यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ड्रेस के साथ आया था, फ्रिल बना के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर के साथ कटवर्क करवा दिया है और कटवर्क के ऊपर सारे पल्स फिक्स हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। सेमी प्योर ऑर्गेन्जा यूज़ की गई है इसके दुपट्टे की फ्रिल बनाने के लिए और फ्रिल जो है ये सिंगल बनाई है, डबल नहीं है। और ये इस तरह से देखें टोटल थ्रू आउट लेंथ में जो है वो लेस आ रही है। अब मैं आपको इसका दामन दिखा रही हूँ, ये देखें इसके ऊपर जो शर्ट है ना उसके ऊपर सारे के सारे पल्स ऑफ वाइट फिक्स हुए हैं, ये देखें स्लीव्स में भी इस तरह ऑफ वाइट हैं, बट जो दुपट्टा है उसमें ग्रे कलर के पल्स फिक्स हुए हैं। अब आपको दिखाती हूँ ड्रेस की ऑल ओवर लुक के, ड्रेस ऑल ओवर लुक में दिखने में कैसा है। ये जी इसकी ब्यूटीफुल नेक लाइन है, बेसिकली इसकी नेक लाइन जैसे मैं बताया राउंड थी, हमने राउंड नहीं बनाई है तो उसमें जो है वो थोड़ा नेक लाइन डीप करके और उसमें सारे जो है वो बटन्स फिक्स कर दिए हैं ताकि स्लिट जो है ना वो थोड़ी लंबी शो हो, ये देखिए इस तरह से। और ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसकी साइड्स के एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स हैं और इसी तरह इसका दामन भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी। इसके बाद जो ड्रेस आपके साथ शेयर करूंगी इलान का आर्टिकल है, बड़ा खूबसूरत स्टिच हुआ है, इस डिजाइन को आप जो है वो किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। ये इसकी ब्यूटीफुल नेक लाइन है और जो इसकी नेक लाइन है उसमें लेस के ऊपर रख के ट्राइंगल्स लगाए गए हैं, ये फोल्डिंग ट्राइंगल स्ट्रिप्स के साथ बनाए गए हैं, ये देखें। यहाँ पर इसकी नेकलाइन हमने थोड़ी छोटी रखी है और इसमें दो हुक्स रखे हैं ताकि जब नेकलाइन पहनने में जो है वो आसानी रहे। ड्रेस की डिजाइनिंग के लिए चार कलर्स यूज किए गए हैं। अब आप नेकलाइन जो है उसकी डिटेल दिखाती हूँ, ये देखें ओवरलैप नेकलाइन बनाई गई है और साथ में लेस और ट्राइंगल्स यूज किए हैं। सेंट्रल इसका जो पैनल है वो सेपरेट था, उसको सेपरेट ज्वाइंट किया है। जो इसका दामन है उसके सेंटर में भी लेस फिक्स हुई है, ये देखें छोटी लेस है, साथ में ऑर्गेन्जा के ऊपर रख के 3D लेस लगाई है और उसके ऊपर लूप्स लगाए गए हैं, ये देखिए इस तरह से। सेंटर में ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा के ऊपर 3D लेस लगाई है और ये देखें ऑर्गेन्जा के ऊपर भी लेस है, छोटी नीचे लेस है, साथ में 3D लेस लगाई है और 3D लेस के ऊपर लूप्स बनाए हैं मल्टी कलर्स के और साथ में उसके ऊपर रिबन के फ्लावर्स लगाए हैं। ऑर्गेन्जा और 3D लेस के नीचे इसमें एक बॉर्डर आ रहा है, उस बॉर्डर के नीचे भी जो है वो इस तरह से फोल्डिंग ट्राइंगल्स लगाए गए हैं, ये ट्राइंगल स्ट्रिप्स के साथ बनाए हैं। और नीचे एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है जो ड्रेस के साथ है था, उसके नीचे भी फ्लावर वाली लेस जो इसकी नेक लाइन में लगी है वही लेस लगाई है और साथ में उसके ऊपर ट्राइंगल्स लगे हुए हैं, ये देखें। स्लिट्स इसके बहुत खूबसूरत बने हैं, स्लिट्स भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बने हुए हैं, ये देखें जी। स्लिट्स में क्या किया है, इसमें तीन हमारे पास ट्राइंगल है और तीन इसमें जो है वो फोल्डिंग करके चुनट टली हुई है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से इसके स्लिट्स बने हैं, ये देखें। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि तीन इसमें जो है वो ट्राइंगल्स बनाई हैं, तीन इसमें जो है वो पेटल्स बनाई गई हैं फोल्ड करके, चुनट डाल के जो पेटल्स बनाते हैं। बाकी जब मैं ऑल ओवर लुक दिखाऊंगी ना वहाँ आपको क्लियर नजर आएगा, ये देखें यहाँ पर भी ये जो है ये पेटल्स बनाई हुई हैं, ये वाली पेटल्स, ये देखें चार पेटल्स आ रही हैं और उसके बाद चार जो है वो फोल्डिंग ट्राइंगल्स आ रहे हैं, स्ट्रिप्स को टर्न करके बनाए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। जो इसके कटवर्क वाली लेस है ना, हर कटवर्क के ऊपर एक जो है वो पेटल या फोल्डिंग ट्राइंगल लगा हुआ है। फ्रंट स्लिट्स जिस तरह बने हैं बिल्कुल इसी तरह से इसके बैक स्लिट्स बने हैं, फ्रंट दामन में भी सेम इसी तरह से डिजाइन है, बट जो इसका बैक दामन है उसमें जस्ट लेस लगी हुई है। बैक नेकलाइन कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर भी सारे के सारे फोल्डिंग ट्राइंगल्स लगे हुए हैं। बैक साइड में हमने पैनल्स रखे हैं अंडर आर्म से नीचे ताकि ड्रेस जो है वो हमारा बैलेंस हो जाए, क्योंकि फ्रंट फुल एम्ब्रॉयडर्ड है सो बैक हमारी जो है बहुत लाइट वेट हो जाएगी अगर हम उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं करेंगे। तो हमने इसमें जो है वो पैनल में लेस एडजस्ट कर दी है, बैक दामन पे बॉर्डर आ गया है तो वो हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बैलेंस हो गई है। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर ड्रेस के साथ आया था और स्लीव्स में हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे लेस फिक्स की है और साथ में एक पट्टी बनाकर उसके ऊपर से जो है वो उसने लूप्स फिक्स किए हैं। मैं आपको इसको जूम से दिखा रही हूँ, ये देखें ऊपर भी छोटी लेस है और नीचे भी छोटी लेस है, सेंटर में जो पट्टी आ रही है फैब्रिक की उसके ऊपर जो है वो लूप्स कवर किए हुए हैं और स्लीव्स के फ्रंट में भी कटवर्क करके देन उसके बाद उसी तरह से लेस फिक्स हुई है। ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर के पांचे में क्रॉस पिनटेक्स लगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जिस तरह से ट्राउजर के पांचे में क्रॉस पिनटेक्स हैं और बिल्कुल बारीक वाला पिनटेक्स है क्योंकि शर्ट हमारी काफी लॉन्ग है और उसके साथ जो है जब हमने स्ट्रेट ट्राउजर पहना हुआ होता है तो वो बड़ा ही एलिगेंट लगता है। इस वजह से ट्राउजर पे हमने कुछ ज्यादा डिजाइनिंग नहीं की है, वन साइडेड क्रॉस पिनटेक्स है, आप चाहें तो दोनों साइड पर क्रॉस पिनटेक्स बना सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी जी इसका खूबसूरत दुपट्टा, ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, दुपट्टे में ऑलराउंड लेस फिक्स हुई है और साथ में इसके जो है वो
ट्राइंगल्स बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया पट्टी के साथ बनाए हैं, दुपट्टे में थोड़े बड़े हैं और वो इस तरह से नजर आ रहे हैं, शर्ट में थोड़े छोटे हैं तो वहां पर इतने ज्यादा वाजे नहीं हो रहे हैं। जो दुपट्टे का पल्लू है उसको एक्सटेंड करके लगाया है ज्वाइंट लेस के साथ। ये देखें यहाँ पर दुपट्टे के पल्लू में भी इस तरह से, देखें 4 कलर्स इसमें यूज किए हैं, पर्पल, लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड ग्रीन। एंड ये देखें इसमें जो लेस हमने यूज किया है वो हमने ऑफ व्हाइट शेड में यूज की है, नीचे फैशन पट्टी हमने बेस कलर में रखी है दुपट्टे की। ये देखें जी इस तरह से इसमें सारी की सारी लेस के साथ, लेस के हर कट में इसके अंदर जो है वो फोल्डिंग ट्राइंगल लगा हुआ है, और जो दुपट्टे के सेंटर में ज्वाइंट लेस है उसको दोनों साइड से गुम करके फिक्स किया है ताकि वो बहुत ही नीट और एलिगेंट लगे। अब आपको दिखा रही हूँ जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक। ये है जी ब्यूटीफुल नेक लाइन, और इसकी नेक लाइन में अब आपको डिजाइन क्लियर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इजीली। ये देखें ये स्लीव्स का फ्रंट है और ये स्लीव्स का बैक साइड वाला डिजाइन है। ये देखें यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ऊपर एक छोटी लेस है, नीचे भी एक छोटी लेस आ रही है, सेंटर में पट्टी के ऊपर ना 2 कलर के लूप जो है उनके साथ पट्टी को कवर किया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में देखिए इस तरह से पट्टी के साथ ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी नेक लाइन में भी इसी तरह से बने हैं, बट दुपट्टे में थोड़े बड़े हैं इस वजह से वो ज्यादा क्लियर नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये ट्राउजर का पांचा है, ट्राउजर के पांचे में पिंटेक्स बने हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका दामन और इसके स्लिट्स। इसका जो दामन है ना उसमें जो वो 3D लेस लगी हुई है, उस लेस के ऊपर रिबन के फ्लावर्स लगाए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें ये पहले आप इसका दामन देखें, अब देखें स्लिट्स। यहाँ आपको ना क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसमें ट्राइंगल लगे हुए हैं और साथ में पेटल्स लगी हुई है जो चुनट डाल के बनाते हैं। दामन में भी बिल्कुल इसी तरह से सेम सीक्वेंस है, तो आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको इजीली नजर आएगा कि किस तरह से इस पर डिजाइन बना हुआ है और इसकी जो 3D लेस है उसके ऊपर किस तरह से इसमें लूप्स फिक्स हुए हैं और कैसे ऊपर रिबन के फ्लावर्स लगाए हैं, सारा क्लियरली नजर आएगा। ऑल ओवर लुक दिखाऊंगी आपको एक बार। ये जी नेक लाइन है, ये स्लीव्स हैं, ये देखें स्लीव्स का ये वाला डिजाइन, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, अब मैं आपको दिखाऊंगी जी इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है, पहले भी आपने इसको देखा है। इस ड्रेस में मल्टी कलर्स यूज किए गए हैं, आप चाहें तो एक कलर सेलेक्ट करके उसकी भी ये डिजाइनिंग कर सकती हैं। ठीक हो गया जी, आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, घर में सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।